और अमेरिका में आज इंडिया डे परेड निकाली जानी है, जिसमें राम मंदिर की झांकी को लेकर विवाद बढ़ रहा है। राम मंदिर की झांकी का कुछ संगठन विरोध कर रहे हैं, रिपोर्ट देखिए। अमेरिका में इंडिया डे परेड पर सवाल क्यों, राम मंदिर की झांकी पर विवाद क्यों, आखिर राम मंदिर की झांकी से कुछ मुस्लिम संगठनों को परेशानी क्या है, ऐसे में समझिए अमेरिका की धरती पर राम मंदिर की झांकी से जुड़ा पूरा विवाद क्या है। दरअसल आज अमेरिका में इंडिया डे परेड निकलने वाली है, इस मौके पर राम मंदिर की झांकी भी निकालने की तैयारी है। इसी झांकी पर कई संगठनों ने एतराज जताया। इंडिया डे परेड में राम मंदिर की झांकी के खिलाफ न्यूयॉर्क के मेयर गवर्नर और गवर्नर को चिट्ठी लिखी और झांकी पर रोक लगाने की मांग की। राम मंदिर की झांकी को इन संगठनों ने मुस्लिम विरोधी बताया। अमेरिका के मुस्लिम समुदाय से जुड़े इन संगठनों की दलील है कि झांकी में अयोध्या में बने राम मंदिर को दिखाया गया है। इन संगठनों के मुताबिक अयोध्या में राम मंदिर को एक विवादित मस्जिद के ऊपर बनाया गया है। इन दलीलों के आधार पर राम मंदिर की झांकी को अमेरिका में इंडिया डे परेड से हटाने की मांग की गई है, तो हिंदू संगठनों ने इस एतराज को गलत बताते हुए राम मंदिर की झांकी को इजाजत देने की मांग की है। हिंदुओं की दलील है कि सब कुछ नियमों और कानून के मुताबिक हो रहा है। आपको बता दें, न्यूयॉर्क में इंडिया डे परेड का इतिहास 40 साल से भी ज्यादा पुराना है, मगर ये सालाना परेड इस साल विवादों में फंस गई है। ऐसे में दोनों पक्षों की दलील क्या है, इस रिपोर्ट में समझिए। न्यूयॉर्क में इंडिया डे परेड के लिए रामलला की झांकी तैयार है, बस न्यूयॉर्क के मेयर एरिड एडम्स और न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल से हरी झंडी मिलने का इंतजार है। हिंदू संगठनों ने भी दलील पेश की है। रामलला की झांकी सनातन पूजा स्थल का प्रतिनिधित्व करती है। रामलला की झांकी से हिंदू पहचान के देवता का महिमा मंडन किया जा रहा है। इंडिया डे परेड में निकलने वाली राम मंदिर की झांकी अभिव्यक्ति की आजादी का प्रतीक है। इस परेड में विभिन्न समुदायों की झांकियां शामिल होंगी, इसमें कुछ गलत नहीं है। अब न्यूयॉर्क में राम मंदिर की झांकी का विरोध करने वाले काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल और हिंदू फॉर ह्यूमन राइट्स का पक्ष भी जान लीजिए। इन संगठनों का कहना है कि इस झांकी से बाबरी मस्जिद गिराने का महिमा मंडन किया जा रहा है, इससे हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा को बढ़ावा मिलेगा। हिंदू विचारधारा को भारतीय पहचान बताया जा रहा है, मगर भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। वहीं आज न्यूयॉर्क में होने वाली इंडिया डे परेड में देश की कई हस्तियां शिरकत कर रही हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस मामले पर कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं, देखिए पूरी खबर क्या है। तस्वीरें न्यूयॉर्क पहुंचे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की हैं। मनोज तिवारी आज अमेरिका में हो रही इंडिया डे परेड में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क में आज भारतीय स्वतंत्रता दिवस समारोह हो रहा है। भारतीय समय अनुसार करीब रात 8 बजे इस समारोह में वो शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका में हो रही इंडिया डे परेड पर हर भारतीय को गर्व है। अमेरिका में हर साल होने वाले इंडिया डे परेड में नामी हस्तियां शामिल होती रही हैं। इस साल भी भारत से कई हस्तियां न्यूयॉर्क पहुंची हुई हैं। तो इंडिया डे परेड में राम मंदिर की झांकी पर उठे विवाद को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सियासी खेल बताया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस ने देश में भी राम मंदिर का विरोध किया था, अब उनका इकोसिस्टम न्यूयॉर्क में भी काम कर रहा है। जिनके साथ बैठकर के राहुल गांधी चाय पीते हैं और भारत को बदनाम करते हैं, वही संगठन है। ये राहुल जी का संगठन है, वो तो यहाँ भी विरोध किए थे राम मंदिर का, वहाँ भी विरोध कर रहे हैं।